और एक बड़ी खबर आपको बताया, अरविंद केजरीवाल ने ईडी को चिट्ठी भेजी है। आज 11 बजे जो समन भेजा गया था पूछताछ के लिए, उसको लेकर जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी, जो कि हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जिन्होंने ये चिट्ठी भेजी है, इस चिट्ठी में क्या लिखा है, इसके पीछे का मर्म हम आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले एक्सक्लूसिवली ये वो चिट्ठी देख लीजिए। आपको बता दें, ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था, आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल आज पूछताछ के लिए शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ईडी को यह चिट्ठी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने जो लिखा है, उसमें उन्होंने साफ साफ देखिए, अगर शुरुआती कुछ लाइनें आप देखें तो उन्होंने लिखा कि मुझे जो समन मिला है उसमें ये बताया गया है कि मुझे पेश होना है। और इसके अलावा जो जानकारी वो ये कि अरविंद केजरीवाल आज पेश नहीं हो रहे हैं। पुलकित नागर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पुलकित, ये चिट्ठी जो हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, क्या लिखा है इसमें? देखिए, इसमें जो समन ईडी की तरफ से किया गया था अरविंद केजरीवाल को बुलाने के लिए, उसमें इन्होंने सवाल खड़े किए हैं और ये पूछा है कि ये आपने क्या नेशनल कन्वीनर ऑफ आपके तौर पर इन्हें बुलाया गया है या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के तौर पर बुलाया गया है, एक विटनेस के तौर पर बुलाया गया है या सस्पेक्ट के तौर पर बुलाया गया है। ये तमाम सवाल खड़े करते हुए ये जवाब ईडी को अरविंद केजरीवाल द्वारा भेजा गया, जिससे ये साफ हो गया कि वो आज यहाँ पर नहीं जा रहे हैं और वो मध्य प्रदेश जा रहे हैं। ये लिखित में उन्होंने ईडी को भेज दिया है और इसी में उन्होंने ये सवाल ईडी से पूछे हैं कि किस तौर पर उन्हें बुलाया गया है और जो केस का हवाला दिया गया है उसको लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। और ये भी बता दिया गया है कि उनका पहले से प्रोग्राम था जिसके लिए वो मध्य प्रदेश आ जा रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ, यानी कि वो ईडी में आज शामिल नहीं होंगे। ये भी बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कह दी है। जी, तो कुल मिलाकर पुलकित बात यह होती है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जांच एजेंसी सवाल चाहे जो पूछे, चाहे उसके पास चाहे लीड जो भी हो, लेकिन अब उससे 1-to-1 लड़ाई के मूड में भी है। कम से कम चिट्ठी का मजमून यही है। देखिए, इस चिट्ठी से ये तो साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं ये साबित करने में लगे हैं कि ईडी द्वारा जो उन्हें बुलाया गया है, जिस केस में उन्हें बुलाया गया है और जो सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर केस चल रहा था, वो सबको मिक्स करने की कोशिश है। और ये भी बताने की कोशिश है कि ईडी जब उन्हें बुला रही है तो किस तौर पर बुला रही है। तो कुल मिलाकर जो बात सामने आई थी कि गैर कानूनी, उन्होंने कहा कि ये जो समन उन्हें भेजा गया है ये गैर कानूनी है, उन्हें समन नहीं भेजा जा सकता, उस पर ये सवाल उठाते हुए उनकी ये चिट्ठी अब सामने आ चुकी है। ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस समन को चुनौती देते हुए भी कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल नजर आए। जी, पुलकित, आमतौर पर ऐसा होता है कि समन के जवाब देते वक्त जिसे बुलाया जाता है वो या तो अगली तारीख की मांग करता है, थोड़े वक्त की मांग करता है, लेकिन इस चिट्ठी में साफ साफ अरविंद केजरीवाल ने इसे गैर कानूनी ही बता दिया, राजनीति से प्रेरित बताया है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, कोई अगली डेट क्या का जिक्र चिट्ठी में नहीं है। इस चिट्ठी में सबसे पहले तो इस समन को लेकर सवाल पूछा गया है, तो इन्होंने ये भी पूछा है कि किस तौर पर उन्हें यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो जितने भी सवाल जो हम लोग पहले से चला रहे थे, यानी कि ईडी को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, जो जानकारी हमारी थी, वो इस चिट्ठी के साथ साफ हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से ईडी के समन पर सवाल उठाए हैं और उसे कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित बताने की कोशिश की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अभी इसे क्या चुनौती देंगे कोर्ट के अंदर, इस समन को कैसी वो इसे गैरकानूनी को बता रहे हैं। जाहिर तौर पर आज अगर वो नहीं चाहते तो ईडी दूसरा नोटिस उन्हें इशू कर सकती है। ऐसे में बचने की रणनीति क्या होगी, क्या इसके खिलाफ वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से बात कहेंगे, क्योंकि वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है और सवाल भी उठा रहे हैं कि उन्हें किस तौर पर ये इशू किया जा रहा है। जी,